गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लघु कथाएँ ये पार्ट देखेंगे। इसमें बीरबल की चतुराई के बारे में लिखा है। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर और बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे में सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं था। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और आठवें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरे रंग का घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा रंग का घोड़ा था होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की दो शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्त? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़े लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों के अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्त माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर से मात दे दी। देखो, हमने पहले ही बोला था कि बीरबल की चतुराई, इस पार्ट में हमने बीरबल की चतुराई देखी है। बीरबल ने अपने दिमाग से उनको दोनों को ही पता था कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं, फिर भी बादशाह ने बीरबल को हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए बोला था। लेकिन उसने क्या किया, दो शर्त रखी। कौन सी शर्त रखी? दो कि एक शर्त थी कि हरे रंग का घोड़ा खुद बादशाह को लाने के लिए जाना था, और दूसरी शर्त थी 7 दिनों के अलावा, मतलब 8वें दिन। 7 दिन जो हमारे होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जो दिन होते हैं उनके अलावा वो घोड़ा लाने के लिए जाना था। तो इन 7 दिनों के अलावा दूसरा कोई दिन होता ही नहीं, इसलिए बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह को मात दे दी।